नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं तो उनसे हमें ये पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, ये 10 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ होते हैं। ये जिस घर में भी जाते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल देते हैं, उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दर्शकों, इन 10 जीव जंतुओं में से काफी जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका बुरा समय टल चुका है और आपका अच्छा समय आने वाला है। ये 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं, उसी घर के अंदर प्रवेश करते हैं जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होना शुरू। प्रिय दर्शकों, आप ये मालूम लगा सकते हैं और आप ये जान सकते हैं यदि 10 प्रकार के जीव जंतु आपके घर में आते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका बहुत ही जल्द भाग्य उदय होने वाला है, बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है, आपका बुरा समय टल चुका है और अच्छा समय आपका शुरू हो चुका है। प्रिय दर्शकों, ये 10 प्रकार के जीव जंतु उसी घर में जाते हैं जिस घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू होता है, अन्यथा ये 10 प्रकार के जीव जंतु किसी घर में नहीं जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर की साफ सफाई रखें, गंदगी को हमेशा दूर रखें, अपने घर के दरवाजे पे कभी जूते चप्पल ना खोलें, टाइम पे घर का दरवाजा खोलें। ऐसी कई सावधानियां हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर से वापिस ना और मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो जाए। प्रिय दर्शकों, वास्तु शास्त्र और सेहुमा पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि 10 प्रकार के जो जीव जंतु हैं किसी न किसी देवी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं और ये जब भी किसी घर में जाते हैं तो शुभ संकेत ही लेके आते हैं। ये जब भी किसी घर में प्रवेश करते हैं तो उस घर के लिए बहुत बहुत शुभ संकेत लेके आते हैं। इसीलिए हमें चाहिए यदि हमारे घर में ऐसे 10 प्रकार के जीव जंतु का प्रवेश शुरू हो गया है तो हमें चाहिए कि हम हमारे घर की साफ सफाई रखें और इन 10 प्रकार के जीव जंतु की कभी हत्या ना करें, इनको मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 प्रकार के ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो हमारा नसीब उनके साथ चलता है और हमारे नसीब बदलने का संकेत देते हैं। वीडियो हमेशा पूरा देखा करें ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शकों, हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे, प्राचीन काल के जो पंडित आचार्य थे, वो ऐसी चीजों से संकेत लगाया करते थे और संकेत लगा के सचेत हो जाते थे, सतर्क हो जाते थे। आजकल ये ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। प्रिय दर्शकों, चलिए बताते हैं आपको ऐसे 10 ये जीव जंतु कौन से हैं यदि हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले नंबर पर आता है छछुंदर। यदि छछुंदर आपके घर में आता है और छछुंदर का प्रवेश आपके घर में है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक ले। प्रिय दर्शकों, छछुंदर जिस घर में जाता है बहुत बहुत ही शुभ संकेत लेके जाता है। छछुंदर जिस घर के अंदर प्रवेश करता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। यदि छछुंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है।
यदि चतुंद्र किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे, चक्कर लगा दे, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होना बिल्कुल 100% तय होता है। वो व्यक्ति आसमान को छूने लगेगा, लखपति नहीं एक दिन ऐसा आएगा कि वो करोड़पति बनने की भी उसकी संभावना होती है। चतुंद्र का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है, यदि हमारे घर में चतुंद्र आता है तो उस घर का दिनचर्या ही बदल जाती है, मानो कि उस घर के अंदर लक्ष्मी छप्पर फाड़ के देने वाली है। यदि चतुंद्र किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उस घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत होते हैं। अब वो अचानक धन प्राप्ति कहीं से भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस से हो सकता है, किसी भी प्रकार से आपको अचानक धन प्राप्त हो सकता है। इसलिए चतुंद्र जिस घर में प्रवेश करता है तो उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है। दूसरा इसी के साथ चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेके आता है, इसीलिए चूहों को कभी घर में ना रहने दे। चूहे हमेशा दुख और दरिद्रता ही चाहते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। चूहे को यूं तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी का वाहन बताया गया है और गणेश जी का वाहन है, लेकिन ये जिस घर में होता है उस घर में दुख दरिद्रता और पीड़ा हमेशा बनी रहती है, उस घर में बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा जानवर है मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत्ता जिस घर में होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती, उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब भी साथ नहीं देने लगता। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उनका भाग्य ही साथ नहीं देता। इसीलिए मधुमक्खी को कभी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे, अपने घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दे। मधुमक्खी हमेशा दुख दरिद्रता और नसीब को खाने वाली होती है, इसीलिए मधुमक्खी को हो सके तो हमें से दूर रखें। चौथा जो जानवर होता है वो तितली होती है। तितली जिस घर में आती है वो शुभ संकेत लेके आती है, बहुत बहुत शुभ संकेत लेके आती है। तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में तितली रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, इसलिए तितली का बहुत बहुत अच्छा शुभ संकेत माना गया है। वास्तु शास्त्र में इस चीज का अच्छा वर्णन दिया गया है कि बटरफ्लाई तितली जब भी किसी घर में आती है उस घर का समय बदलने वाला है, इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली बटरफ्लाई आती है तो उसको मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, तितली हमेशा शुभ संकेत लेके ही आती है। प्रिय दर्शकों, पांचवा जो जानवर होता है वो बिच्छू होता है। बिच्छू यूं तो दुख दरिद्रता का संकेत लेके आता है, बिच्छू का घर में निकलना पीड़ा का संकेत होता है, लेकिन ये दो बिच्छू चैन बना करके, यानी कि एक के पीछे एक इस तरीके से चैन बना करके ये दो बिच्छू आपको जाता हुआ दिखाई दे तो समझे कि आपके घर से लक्ष्मी जा रही है, और यदि चैन बना करके आता हुआ आपके घर में दिखाई दे तो समझिए कि आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। प्रिय दर्शकों, यूं तो छोटे मोटे जो बिच्छू निकलते हैं वो दुख दरिद्रता का संकेत होते हैं, लेकिन यदि चैन बना करके जो बिच्छू आपके घर में आता है तो समझिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया है और आपका भाग्य उदय होने वाला है। लेकिन जो बिच्छू है वो सुनहरे कलर के होने चाहिए, यदि सुनहरे कलर के बिच्छू नहीं है तो इसका संकेत नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, छठा जो जानवर है वो छिपकली होती है। छिपकली को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अक्सर घरों में लोग ये गलती करते हैं, छिपकली को मार देते हैं। छिपकली को मारना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, छिपकली मां लक्ष्मी का संकेत होता है। यदि दीपावली के दिन यदि आपको छिपकली दिखाई दे तो समझिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि आपके पूजा घर में रोज आपको छिपकली दिखाई देती है तो बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है।
बहुत जल्द मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली बहुत ही शुभ संकेत लेके आती है। छिपकली यदि आपको दो पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझिए बहुत बहुत जल्दी आपका भाग्य उदय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, छिपकली मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी मारे नहीं। प्रिय दर्शकों, सातवां जो जानवर होता है वो चींटी होती है। यदि काले कलर की चींटी आपके घर में निकल रही है तो समझिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, चींटी बहुत अच्छा शुभ संकेत देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है यदि चींटी पूर्व दिशा की ओर से आपके घर में आ रही हैं तो समझिए बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत जल्द आपके दुख के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि चींटी पश्चिम दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं, आप किसी शुभ यात्रा के लिए जाने वाले हैं। यदि चींटी उत्तर दिशा की ओर से निकलती है तो समझिए कि आपके घर में कोई विवाह संबंधी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। अटकी हुई विवाह संबंधी प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सुधरने वाली है और सोल्व हो जाएगी। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझना चाहिए कि आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, चींटियां बहुत अच्छा शुभ संकेत देती हैं। चींटियों को रोज आटा डालना चाहिए, चींटियों को रोज दाना डालना चाहिए, चींटियों का शुभ संकेत बहुत अच्छा होता है। प्रिय दर्शकों, आठवां जो जानवर होता है वो भंवरा होता है। यदि भंवरा आपके घर में आता है तो भंवरा आपके घर में इतनी सुगंध भर जाता है, आपके जीवन में इतनी सुगंध भर जाता है कि आप सोच नहीं पाएंगे। भंवरा आपके जीवन को बदलने का संकेत लेके आता है। भंवरा का जो संकेत होता है बहुत ही शुभ संकेत होता है। भंवरे का घर में आना बहुत बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है यदि भंवरा जिस घर में जाता है तो उस घर में समझिए कुबेर भगवान का आगमन शुरू हो गया है और कुबेर भगवान उस घर के लिए भंडार के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसीलिए जिस घर में भंवरा जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय है, उसे कोई नहीं टाल सकता। प्रिय दर्शकों, यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। नवा जो जानवर है वो कछुआ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि कछुआ आपके घर में आता है तो समझिए श्री हरि विष्णु का आगमन आपके घर में शुरू हो गया है। प्रिय दर्शकों, अकस्मात जंगल से डोलता हुआ कछुआ, किसी भी प्रकार से कहीं से भी कछुआ यदि आपके घर में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में हो गया है। कछुए का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना गया है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल तय होता है। श्री हरि विष्णु की इतनी कृपा होती है कि मां लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। प्रिय दर्शकों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में मां लक्ष्मी बिगर बुलाए चली आती है, इसलिए कछुए का घर में आना बहुत बहुत शुभ संकेत माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि ऐसे जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की शुद्ध और साफ सफाई रखें, आप अपने घर की साफ सफाई रखें। मकड़ियों के जाले जो होते हैं ये हमारे नसीब को खाते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने चाहिए। मकड़ियों के जाले को तुरंत साफ करें, मकड़ियों के जाले से मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। मकड़ियों के जाले देखकर मां लक्ष्मी वापस लौट जाती है। प्रिय दर्शकों, इसलिए मकड़ियों के जाले हमेशा दूर रखें, मकड़ियों के जाले हमेशा घर से दूर रखें। प्रिय दर्शकों, ये थे 9 शुभ जानवर, शुभ जीव जंतु जो हमारे घर में आते हैं। प्रिय दर्शकों, ये थे 9 छोटे छोटे जीव जंतु जो यदि हमारे घर में आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेके आते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु का प्रवेश होना शुरू हो गया है तो आप भी ये सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय बहुत जल्द होने वाला है, आपका बुरा समय जाने वाला है और आपका अच्छा समय आने वाला है।
प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। प्रिय दर्शकों, हो सके तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसे इंटरेस्टिंग नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आते रहते हैं। हमारी बताई हुई जानकारी पुराने शास्त्रों, पुराने ऋषि मुनि से प्रमाणित होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना काफी। जी नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।